हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के पीपीई किट एवं कोरोना संबंधित स्वास्थ्य उपकरणों में खरीद में घोटाले को लेकर कड़ी कार्रवाई करने हेतु तो युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ दिनों पूर्व हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग में वैश्विक महामारी कोरोना संबंधित स्वास्थ्य उपकरणों एवं पीपीई किट खरीद में बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है और ये घटना देवभूमि हिमाचल को पूरे देश में शर्मसार करने वाली है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के इस घोटाले में स्वास्थ्य निदेशक व भाजपा से जुड़े नेता का जो ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें 5 लाख रुपए की रिश्वत स्वास्थ्य निदेशक को देने की बात हुई है, उससे पूरे देश भर में सनसनी फैल गई है तथा ये घोटाला प्रदेश की जनता के समक्ष उजागर हुआ है। युवा कांग्रेस ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के इस घोटाले के उजागर होने के बाद देश व प्रदेश भर में इसकी खूब चर्चा व सरकार की किरकिरी हुई तथा कोरोना जैसी महामारी में घोटाला उजागर होने से प्रदेश की जनता में सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया है। इस घोटाले को लेकर भाजपा के बड़े नेताओं पर आरोप लगने शुरू हुए और आरोपी स्वास्थ्य निदेशक जो कि 31 मई 2020 को पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे, उनके सेवा विस्तार देने के लिए भाजपा नेता द्वारा ही सरकार को पैरवी की जा रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस घोटाले के तार भाजपा सरकार से जुड़े हुए हैं। इस घोटाले के उजागर होने के बाद विपक्ष के दबाव के चलते भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल को भी अपने संगठन के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा इस ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान इस प्रकार के घोटाले की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है तथा प्रदेश सरकार के भीतर फैले भ्रष्टाचार को उजागर करती है और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच प्रदेश के किसी भी वर्तमान न्यायाधीश के अधीन हो तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच हो। युवा कांग्रेस ने मांग करते हुए प्रदेश सरकार में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने तथा अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर घोटाले की जांच करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। युवा कांग्रेस का कहना है कि घोटाले की किसी वर्तमान न्यायाधीश के अधीन स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और नैतिक तौर पर मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी लोगों को जैसे हमारे से जो पूरे उन्होंने भी कहा कि प्रदेश सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं उनके पास जो था वो स्वास्थ्य मंत्रालय है, लेकिन वो बिना किसी अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं, बिना ना अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया है। और जो माननीय जो प्रदेशाध्यक्ष महोदय थे बीजेपी के राजीव जिंदल जी, उन्होंने इस्तीफा जो है वो अपना सौंप दिया, तो वो उसको जो है वो बैकडोर से जो है वो इस मामले को पूरा निपटाना चाहते हैं। NSUI की आज यूथ कांग्रेस का यहाँ पे प्रोटेस्ट था, इन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट की, हमने भी माननीय DC महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा था कि इसके ऊपर जो है वो जांच की जाए और जो भी आरोपी है, आप लोग देखेंगे कि भाजपा की जो सरकार है वो आपदा से अफसर बनाने में जो है वो तुली हुई है, उनके लिए आपदा नहीं बल्कि पैसे कमाने का घोटाले करने का जो है वो एक अवसर है। तो हमारी यही मांग है कि जो भी इसमें जो आरोपी हैं, जो भी इसमें संलिप्त है, उनको पकड़ा जाए और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा बना रहा है। अगर विपक्ष मुद्दा बनाता होता तो जो उनके प्रदेशाध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? जो बड़ी मछली है वो तो जो है बड़ी मछली अभी और है, ये तो छोटी मछली है जो रास्ते से हट गई है। हालांकि इसके पीछे जो बड़ा मगरमच्छ है वो कोई और है। हमारी मांग है कि उस बड़े मगरमच्छ को पकड़ लिया जाए। मंत्रालय जो था वो मुख्यमंत्री महोदय के पास था, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी इसमें है और बड़े स्तर पे भूमिका उनकी है। वो बड़े के मुखिया हैं और जो संगठन के मुखिया हैं उनके ही देख रेख में सब हुआ है। जो होम डिपार्टमेंट, जिस पुलिस ने सारा लॉ एंड ऑर्डर महामारी का कंट्रोल करना वो जयराम जी के पास है। जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, जिसने गरीबों को खाना बंटन करना है वो जयराम जी के पास है। तो इस तरह जयराम जी सोच रहे ए भी दे दो, बी भी दे दो, सी भी दे दो, जड़ तक सारे डिपार्टमेंट मुझे दे दो। और जब घोटाला पकड़ा जाता है तो अभी तक उन्होंने लगातार चुप्पी साधी है। तो इसमें जवाबदेही जयराम ठाकुर जी की ही बनती है कि जब डिपार्टमेंट चाहिए तो सब कुछ मुझे दे दो, लेकिन जब कोई घोटाले पकड़ा जाता है तो वो अब तक भागते फिरते दिख रहे हैं, जो गलत है। और युवा कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में 68 जो विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रही है, और उसी कड़ी में आज हमीरपुर में हमने जयराम ठाकुर जी का इस्तीफा मांगा है और अभी हम जो ज्ञापन है DC महोदय को सौंपने जा रहे हैं। जयराम ठाकुर कोई क्लियर कट इस पे कोई जवाब नहीं देते। घोटाला सरकार में होता है, मंत्रालय में होता है, लेकिन जो इस्तीफा है वो उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देते हैं।
वही बात है ना कि जमीन पे अब गिरी शराब को देख के लोग यही कहेंगे कि पैमाने को छुके निकली है, कि जो मंत्रालय को इस्तीफा देना चाहिए उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक शांत है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और हमारी ये मांग है कि इसमें एक निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाई जाए। जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनकी एक कमेटी बैठी और वो निष्पक्ष जांच करे। आ गई थी ये प्रोटेस्ट हमारा कल 22 विधानसभा में पिछले दिन हुआ, 22 में आज है और बाकी की 24 में अगले कल है। तो इस तरह हमने 68 विधानसभा में युवा कांग्रेस से प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले भी हमने हफ्ता पहले इनको ज्ञापन दिया था लेकिन कोई जांच कमेटी बढ़ाई जाए ना, लेकिन ना कोई राज्यपाल हमसे कोई जवाबदेही आती है, ना डीसी महोदय की आती है और किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो इसलिए अब हम हर जिला मुख्यालय पर, हर विधानसभा में एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हमारी रणनीति, जब तक जयराम इस बात पे कोई क्लियर कट जवाब नहीं देते, कोई कमेटी नहीं बताते, जो कमेटी निष्पक्ष बैठ जाए तब तक हमारा संघर्ष सड़कों पे भी चलेगा, सांकेतिक भी चलेगा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से चलेगा और हर शर्त